फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 6283 ऑडियो बोर्ड के ऊपर वायरिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, ये 6283 ऑडियो बोर्ड है, ये डीटीएच में यूज़ होता है। देखिए, यहाँ पे डीटीएच लिखा हुआ है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग रखते हैं साइड में। और इसके ऊपर एक प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को भी साइड में कर देते हैं हम लोग। और ये देखिए बोर्ड है हमारा। तो इसका सर्किट कुछ इस प्रकार होगा कि देखिए, अगर आप एसी पे चलाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ और यहाँ पे दो वायर दे सकते हैं। यहाँ से हमारा ऑडियो आउट है, देखिए यहाँ से हमारा ऑडियो आउट है, और हमारा यहाँ से ऑडियो इन है। देखिए, इस जगह से ऑडियो इन है यहाँ पे। तो इसको पलट के देखिए यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप हमको मुझे बैटरी से चलाना है, तो मैं इस चारों डायोड का यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस कैपेसिटर के, यहाँ देखिए माइनस पॉइंट है, तो ये माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक। और यहाँ से हमारा आउटपुट होगा, यहाँ से हमारा स्पीकर का आउटपुट होगा, और इस जगह से हम लोग का ऑडियो इन जाएगा प्लस, और नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और इसका स्पीकर का भी नेगेटिव यहीं पे जाएगा। तो चलिए इसका सर्किट हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्पीकर चाहिए। अगर इस बोर्ड से आप चलाना चाहते हैं स्पीकर, तो आप 4 इंच का लीजिए। ये मेरा 3 इंच का है, 3 इंच का, 4 इंच का एकदम अच्छा से चलेगा। 6 इंच में इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर ये चला देगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 4 इंच का आप चलाएँ, 3 इंच का बहुत अच्छा चलेगा, और बैकअप भी ठीक रहेगा, और ज़्यादा आईसी हीट भी नहीं होगी। हीट नहीं होगी तो ख़राब नहीं होगी, सिंपल सा बात है। और ये देखिए ऑडियो जैक है, इसी से हम लोग ऑडियो इन करेंगे। और हमें यहाँ पर एलिगेटर क्लिप्स चाहिए, देखिए एलिगेटर क्लिप्स, इसको इसका हम लोग यूज़ करेंगे ऑडियो इन के लिए, अरे पावर इन के लिए। तो इस वीडियो तो इसको चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये बैटरी यूज़ करेंगे। देखिए एक साइड का बैटरी है 12 वोल्ट, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग सर्किट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें पहले पावर, जिसमें से हम लोग 12 वोल्ट इन देंगे, उसको लगाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे दो वायर कनेक्ट करने होंगे, तो ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस। तो चलिए हम लोग वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव, ओहो ये पॉजिटिव नेगेटिव मेरे से उल्टा कनेक्ट हो गया, तो इसको मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। देखिए इस साइड वाला पॉजिटिव, इस साइड वाला नेगेटिव। अब हम लोग तो पावर इन का कर दिए हैं, अब ऑडियो इन का करना है। तो ऑडियो इन हम लोग इस रेजिस्टेंस के एक पॉइंट जो है वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इसका लेंगे। तो इसमें से पॉजिटिव कौन सा है, तो पॉजिटिव मेरा ये वाला वायर है, ये वाला मेरा पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो इसको पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, मैं इधर ही से कनेक्ट कर देता हूँ इसको। और इसका माइनस का लिया, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक वायर जो बचा है इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं इसको हल्का सा पतला कर लेता हूँ कि बोर्ड के अंदर चला जाए आराम से। इसको मैं थोड़ा स्ट्रिप कर लेता हूँ आगे से। तो इसका मैंने नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया है, पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया है ऑडियो इनका। देखिए अब हमारा दो वायर और बच रहा है, तो दो वायर को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये स्पीकर का दो वायर, तो स्पीकर का पॉजिटिव हम लोग को यहाँ पे देना है, तो मैं इधर से वायर को पार कर लेता हूँ।
और अब यहाँ पे इधर से कनेक्ट कर लेता हूँ, और एक नेगेटिव बचा, तो नेगेटिव के लिए मैं कौन सा लूँ, नेगेटिव के लिए मैं यहीं से ले लेता हूँ। नेगेटिव आप कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, तो मैं नेगेटिव यहीं पे जोड़ देता हूँ। तो हमारा पूरा सर्किट हो गया। आपको मैं लास्ट में सर्किट, ये उखड़ गया वायर, इसको भी फिर से मैं लगा लेता हूँ इधर ही से, इधर से नहीं लगा ठीक से, तो इधर से मैं लगा लेता हूँ। तो ये लग गया, इसको मैं पहले बढ़िया से सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें मैंने बढ़िया से वायर कनेक्ट कर लिया, ये फुल डायग्राम हो गया। और मैं बॉडी के ऊपर आपको डायग्राम बना के दे दूंगा, मतलब ऐसे ही बोर्ड रहेगा। यहाँ पे आपको ऐसे एडिटिंग करके मैं दिखा दूंगा कि यहाँ से प्लस माइनस कैसे कैसे देना है। तो चलिए, तो इसमें हम लोग प्लस और माइनस दे लेते हैं इस बैटरी से। तो इसको मैं पहले इधर साइड में रख लेता हूँ। तो नेगेटिव पॉजिटिव में, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लगा लेता हूँ, नेगेटिव में इधर नेगेटिव लगा लेता हूँ। देखिए इसमें हल्का हल्का आवाज़ आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे जब इसमें टच करूँगा तो आवाज़ आएगा। देखिएगा इसमें टच करूँगा तो चलिए इसको मैं बजा के देख लेता हूँ। तो मैं इसमें सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने प्लग इन कर दिया है, मैं इसको चालू करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका इसमें कोई भी वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं मिलेगा, तो पहले मैं इसके ऊपर कुछ चीज डाल देता हूँ। देखिए इसका कितना पावर है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं बेस, इसमें मैं बेस ट्रेबल और इसका वॉल्यूम कंट्रोलर लगाऊं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा। और आप चाहते हैं कि मैं इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा के कर दूं वायरलेस, तो भी मैं कर दूंगा। बस आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा, मैं आपको कमेंट पर वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। And please do like, comment and share it. और आपका इसका सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा।